नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर लेवल का 21 जून को आंदोलन करने का दोस्तों जो है डेट निर्धारित किया गया था, और 21 जून को जो है आयोग के कार्यालय में जाने की पूरी तैयारी दोस्तों जो है कर ली गई छात्रों के द्वारा। देखिए, इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों है ये बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आयोग ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन नोटिस में केवल टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग फॉन्ट के अलावा कोई बात भी स्पष्ट नहीं किया। देखिए, टाइपिंग का डेट कब होगा, शॉर्टलिस्ट क्या होगा, इसके अलावा एक्यूरेसी वगैरह की कोई बात नहीं हुई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी उसमें देखिए स्पीड के मामले में हिंदी का स्पीड 30 और इंग्लिश का स्पीड 35 नहीं लिखा हुआ था, और आज जो है 35 और 30 स्पीड दिया गया है। समस्या एक और भी है कि जो मंगल फॉन्ट दिया गया है, आप जानते हैं कि मंगल में 3 लेआउट होते हैं, इनस्क्रिप्ट, रिमिंगटन गेल और CBI। जो छात्र देखिए मंगल जब कहा गया कि मंगल फॉन्ट में टाइपिंग ली जाएगी, तो कुछ छात्र मंगल इंस्क्रिप्ट पर भी टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि टाइपिंग रेमिंगटन गेल पर होगी। तो ऐसे छात्र जो कि इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग कर रहे होंगे उनका तो समय बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आयोग ने ये बहुत गलत काम किया है। अब देखिए, अब जो हो गया है नोटिस में आ गया उसको बदलना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इसी बात के लिए आंदोलन करना ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी जो है पूरा किया जाए, चाहे आयोग जो करे इस प्रक्रिया को जो है जल्द से जल्द पूरा करें। इसके लिए देखिए पोस्टर बैनर तैयार हो गया। देखिए कौन कौन सा पोस्टर तैयार किया गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन जो है छात्रों द्वारा 21 जून को किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप पटना में रहते हैं या फिर पटना के आसपास किसी भी जिले में रहते हैं तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइए, क्योंकि ये आपके लिए ही ये जो है ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले वो तुम्हारे हाथ से कलम छीन लेंगे, फिर सोचने की तुम्हारी जेहन छीन लेंगे, तुम चिल्लाओगे मगर कोई सुनेगा नहीं, इस तरह तुम्हारा कल छीन लेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा गया है, 7 साल 8 साल से जो है छात्रों को भ्रमित किए हुए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि BSSC के पास एक ही विकल्प, अगस्त तक फाइनल करो रिजल्ट। देखिए, अगर आयोग चाहे तो एक महीने के अंदर टाइपिंग करवा के अगस्त तक रिजल्ट जारी कर सकता है, तो इसके लिए जो है आपको दबाव बनाना पड़ेगा आयोग के कार्यालय में जाकर। इसके अलावा हमने किया 7 वर्षों का तक इंतज़ार, बर्दाश्त नहीं अब और इंतज़ार, ऐसे ऐसे जो है पोस्टर तैयार किए गए हैं। आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए, हमें अपना स्वाभिमान चाहिए, बिल्कुल परिणाम चाहिए, इससे कम पर जो है कोई भी जो है बात नहीं होगी। BSSC भटका हुआ है, वैकेंसी 7 साल से लटका हुआ है और इस वैकेंसी को पूरा करना चाहिए। 2016 वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने की भी बात यहाँ पर की जाएगी कि 2016 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। BSSC का यही है स्वभाव, आंदोलन करो तभी रिजल्ट तैयार, यानी कि बिना आंदोलन के रिजल्ट तैयार नहीं हो पाती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है पोस्टर में कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, इम्तिहान हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम हो तो ज्वाइनिंग नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं, #BSSC क्लियर 2014 वैकेंसी। तो देखिए ये आपका पोस्टर तैयार है, यहाँ पर कल आप सभी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए आयोग के कार्यालय में। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी सूचना देनी थी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।